तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। नए क्रिएटर में सबसे ज़्यादा गलती करता है दोस्तों वो वीडियो को सही से अपलोड करना। वीडियो वो सही से अपलोड नहीं होने के कारण से दोस्तों क्या उसका व्यूज़ ना सब्सक्राइबर नहीं आता है। काफ़ी साल बीत जाता है दोस्तों लेकिन उसका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। उसका चैनल में जाके देखिएगा दोस्तों, तो वो 200 से 300 400 वीडियो बना चुके हैं लेकिन 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम अभी तक गेन नहीं कर पाए हैं। और ये सब होने के बाद दोस्तों वो डिमोटिवेट होके यूट्यूब को अपना छोड़ देते हैं। बहुत कोई ऐसा क्रिएटर को हम देखे दोस्तों आया और चल गया। एक बात हम इसमें इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसेंस रखना होगा क्योंकि यार YouTube में व्यूज़ आना, 1K सब्सक्राइबर गेन कर पाना यह इतना आसान नहीं है क्योंकि YouTube में इतना ज़्यादा अभी कंपटीशन हो चुका है दोस्तों कि एक एक सब्सक्राइबर अभी गेन करना इतना मुश्किल है। वो जो पैसेंस रखता है YouTube में वही गेन कर पाएगा। आज का इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि अच्छा एक टाइटल कैसे लगाना है, वीडियो कैसे सही से अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है और टैग्स कहाँ से ढूंढना है। तो आज आप सबका ये सब पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा फुल एंड तक देखिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप सबके लिए ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। और ये वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको यार कोई ऐसा वर्ड होगा जो मिस कर सकते हैं और आपका वीडियो सही से अपलोड नहीं कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, समथिंग 5 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। ये वीडियो को पूरा फुल कंप्लीट देखना, कंप्लीट आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपको वीडियो सही से अपलोड करना है। और अगर आपका व्यूज़ अगर नहीं आया दोस्तों तो मेरा चैनल आप ऑन सब्सक्राइबर कर सकते हैं क्योंकि ये लिव प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका प्रैक्टिकली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यूट्यूब आपको ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे की ओर आना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद अपलोड ए वीडियो यहाँ सेलेक्ट को आपको दिखाने के लिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे ज़रूरी दोस्तों टाइटल। टाइटल में होता है क्या दोस्तों, टाइटल अगर आपका सही से रहेगा तो जैसे भी कोई भी बंदा अगर आपका सर्च करेगा वीडियो तो आपका वीडियो भी यूट्यूब सजेस्टेड करेगा, यानी कि धीरे धीरे रैंक करने लगेगा। तो चलिए टाइटल हमको क्या देना है, जैसे कि ये वीडियो मेरा यूट्यूब से ही रिलेटेड है, ब्लॉग वीडियो जल्दी वायरल कैसे करें, ये मेरा एगो टाइटल हो गया। ठीक है, आज सोच के देखिए ये भी मेरा एक टैग्स भी हो गया। तो सिंपली यहाँ फिर से और तीन यहाँ टाइटल लगाना है। तो तीनों में से कोई भी अगर सर्च करेगा दोस्तों तो आपका वीडियो सर्च पे आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों देख सकते हैं वीडियो ब्लॉग वीडियो जल्दी वायरल करे कैसे करे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, कैसे करे। ठीक है, ये मेरा एक टाइटल भी हो गया, टैग्स भी हो गया। अब फिर दूसरा में क्या देना है, वीडियो वायरल कैसे करें, दूसरा हो गया दोस्तों। अब तीसरा नंबर में क्या देना है, जो आप टॉपिक से वीडियो बनाते हैं वही टॉपिक से ही आपको यहाँ टाइटल देना है, टैग्स देना है, डिस्क्रिप्शन भी देना है। अब देखिए दोस्तों मेरा दो टाइटल हो गया है, अब इसमें क्या लिखेंगे, और एक टाइटल दे देते हैं ब्लॉग चैनल जल्दी
व्यूज कैसे लाए। तो ये भी मेरा टाइटल हो गया, तीन टाइटल। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, ऐड डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन आपका देना है। इसके बाद यहाँ तीन ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं, पब्लिश ऑन लिस्ट प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिश का मतलब होता है डायरेक्ट कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हो तो डायरेक्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। अगर इसको अनलिस्टेड में रखते हैं दोस्तों, तो कोई जब तक अपना टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन थंबनेल नहीं लगा लेते हो तब तक इसको अनलिस्टेड ही रहने देना है। और प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब दोस्तों होता है कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं, अगर आपका पर्सनल कोई वीडियो है तो इसको आप प्राइवेट रख सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑन लिस्ट पे रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको सारा टैग्स सब चीज़ सही से लगाना है, इसके बाद पब्लिश करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मेरा टाइटल कंप्लीट हो गया है, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और इसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे देना है। देन देने के बाद अब देखते हैं इसको सिंपली यहाँ से लोकेशन, चाहे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बाय द वे इसको नहीं नहीं भी करें तो सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद अपलोड नाउ पे क्लिक कर देते हैं, तो देख सकते हैं मेरा यहाँ अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब YouTube स्टूडियो पे। अब आपको क्या क्या करना है, तो सिंपली हम YouTube स्टूडियो को खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ अपना चैनल को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं मेरा टेक्निकल लाइव सिक्योर, इसी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी। तो सिंपली इसमें क्लिक कर देना है, देन क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं पेंसिल आइकन पे यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए टैग्स, अब टैग कैसे लगाना है दोस्तों, जैसे कि ये मेरा एक टाइटल हुआ और इसको टैग्स भी बनाएंगे, तो सिंपली मेरा ये एक टैग बन गया। अब बाकी टैग्स यहाँ तो तीन गो टैग्स दिख रहा है दोस्तों, लेकिन बाकी टैग्स कहाँ से लाएंगे ये वीडियो का पूरा फुल कंटिन्यू देखना। इसके एक हो गया, इसके बाद दिखाते हैं दोस्तों। तो सिंपली हम एक एक करके, यहाँ तीन टाइटल दिया हुआ है तो तीन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। इसके बाद और एक जो बचा हुआ है दोस्तों, मेन पॉइंट अभी आने वाला है दोस्तों, रुकिए वेट। देखिए तीन ऑप्शन हो गया, अब बाकी सब अब कैसे ढूंढना है दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्या दोस्तों करते हैं, बहुत ऐसा यूट्यूबर होता है कि यूट्यूब से ही टाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूट्यूब में दिखा, चलिए हम अब दिखाते हैं ब्लॉग वीडियो वायरल कैसे करें। सिंपली देख सकते हैं यहाँ क्लिक किए दोस्तों, तो यहाँ देखिए ऐसा बहुत देख सकते हैं, ब्लॉग वीडियो वायरल कैसे किया, हाउ ग्रो ब्लॉग चैनल, इस तरह से बहुत यहाँ वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये सब को कुछ नहीं करना है, यहाँ से छोड़ देना है आपको सिंपली। ठीक है, इसको चलिए हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली। अब चलिए आपको क्रोम में, क्योंकि यार यहाँ आपका यहाँ से अगर टाइटल टैग्स अगर फाइंड करते हो तो आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपका वीडियो दब जाएंगे। ठीक है, और दब गया तो आपका वीडियो रैंक पे ना सर्च टेबल पर कुछ भी नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए अब हम क्रोम में चलते हैं। क्रोम में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा यहाँ ईमेल लॉगिन है, तो इसको सबसे पहले हम इसको लॉग आउट करते हैं। सेम आपका चैनल पे यही करना है दोस्तों, एक सही वीडियो अपलोड करने का तरीका यही होता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि हम भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं सिंपली दोस्तों मेरा लॉग आउट हो चुका है, देखिए साइन इन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेरा लॉग आउट हो चुका है।
अब दिखाते हैं दोस्तों, अब आपको कैसे टैग्स यहाँ से ढूंढना है। तो चलिए हम जो कॉपी किए थे सिंपली इसको हम पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। और पेस्ट करने के बाद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना सारा यहाँ वीडियो आपको मिल रहा है, देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर यूट्यूबर सब क्या करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा जो क्रिएटर होता है क्या करते हैं कि उसका टैग्स कॉपी करके अपना चैनल में कॉपी करके लगा दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ से टाइटल कॉपी करना है। चलिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं दोस्तों आपको सेम वैसे ही करना है। आपको किसी का टैग्स कॉपी करके अपना टैग में नहीं लगाना है। तो चलिए, तो देख सकते हैं मेरा एक टाइटल टाइटल हो गया था ब्लॉग वायरल कैसे करें। चलिए फर्स्ट नंबर ये टाइटल दे देते हैं। और जितना दे रहे हैं टाइटल परचेस कीबोर्ड है वायरल ब्लॉग वायरल कैसे कर लें। चलिए ब्लॉग वायरल कैसे करें, तो ये मेरे एक टैग्स हो गया दोस्तों। अब दूसरा टैग ढूंढते हैं हाउ ग्रो ब्लॉग चैनल, तो यहाँ भी दे देते हैं सिंपली हाउ ग्रो ब्लॉग चैनल। तो इस तरह से दोस्तों आपको कि सबका जितना भी आपका इसमें जितना भी आपको यहाँ यूट्यूब चैनल मिल रहा है दोस्तों, जिसका जिसका ज़्यादा व्यूज़ आया है, तो उसका आपका टैग कॉपी नहीं करना है। आपका यहाँ से सारा का सारा टाइटल यहाँ से कॉपी करना है और अपना टैग्स बनाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितना भी बड़े बड़े क्रिएटर का जितना ज़्यादा व्यूज़ आया है ब्लॉग चैनल में, वो सारा जब जैसे ये बंदा का कोई अगर वीडियो देखेगा तो आपका वीडियो भी उसका नीचे में ही सजेस्टेड कराएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उसका भी वीडियो आपका भी उसमें व्यूज़ आ जाएगा। तो जितना यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सारा का सारा उसी तरह से टाइटल कॉपी कर लेना है और आपका टैग्स बनाना है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों और हम भी इसे यूज करते हैं। तो इसी तरह से आपको टैग्स लगा लेना है। और टाइटल दोस्तों जो आप रिलेटेड यह फर्स्ट वाला टाइटल जो है दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से लिखना है आपका जो वीडियो है किस टॉपिक पे है। तो सिंपली जो भी टॉपिक का है दोस्तों आप इसको सिंपली लिख देना है दोस्तों। तो ये वीडियो में हम बताए हैं कि ब्लॉग वीडियो वायरल कैसे करें। तो इस तरह से कुछ आपको दे देना है दोस्तों। और बाकी जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इतना सारा YouTube में वीडियो मिल रहा है ब्लॉग का, ठीक है, ब्लॉग से ही ये सब रिलेटेड है, YouTube सजेस्टेड कर रहा है, देख सकते हैं YouTube शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें। बाकी सारा टाइटल आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा तो टैग्स में नहीं लेगा, कुछ ही टाइटल टैग्स लेता है, ठीक है, ज़्यादा वर्ड का वहाँ नहीं लेगा। तो बाकी जो बचेगा दोस्तों सारा का टाइटल कॉपी करना है और आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। इसके बाद सोशल नेटवर्क का आप अपना इंस्टाग्राम पे चाहे जो भी हो आपका वेबसाइट का यहाँ लिंक दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पीपल एंड पब्लिक आपका किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम इसको टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देन बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से जो आपका थंबनेल है वो आपको थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपका वीडियो ये 20 MB हो रहा है, जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आपको
यहाँ से पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद दोस्तों 4 घंटा मोबाइल को ऑफ करके रख देना है। देन ये फायदा होगा क्योंकि आपका वीडियो सर्चेस पे आएंगे। अगर आप इसे फिर से YouTube स्टूडियो पे जाके अगर वीडियो को चेक करते हैं यार कितना व्यूज आया है, कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो ये गलती मत नहीं करना है, नहीं तो यार आपका वीडियो दब जाएंगे, इसके बाद आपका वीडियो में व्यूज ना सब्सक्राइबर ना रन कुछ भी नहीं करेंगे करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।